नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने नागरिक शास्त्र के पहले पाठ संविधान से हमारा परिचय, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसको संविधान का जनक कहा जाता है, इस बारे में चर्चा हुई थी। आज हम संविधान की उद्देशिका लेकर प्रस्तुत हुए हैं, इसमें दिए गए मुद्दों पर चर्चा होगी। पिछले पाठ में हमने देखा संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। हमारे जनप्रतिनिधियों को संविधान के कानूनों के अनुसार ही देश का कार्य चलाना पड़ता है। संविधान हमारे देश का मौलिक और श्रेष्ठतम कानून है। किसी भी कानून को बनाने के पीछे कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य निर्धारित किए जाने के बाद विस्तार में कानून के कुछ अन्य कानून अथवा प्रावधान बनाए जाते हैं। उन कानूनों की एकत्रित रूप में संक्षिप्त और सुसूत्रता के साथ ही की गई संरचना को उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका हमारे संविधान के विविध उद्देश्यों का परिचय कराती है। हम सभी भारत के नागरिक हैं। हम सभी को एक देश के रूप में क्या प्राप्त करना है, इसे उद्देशिका स्पष्ट करती है। इसमें उल्लिखित मूल्य, विचार, लक्ष्य और उद्देश्य उदात्त हैं। उन्हें कैसे प्राप्त करना है, इससे संबंधित कानून संपूर्ण संविधान द्वारा स्पष्ट किए गए। संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से होता है। इसमें भारतीयों के उस दृढ़ संकल्प का उल्लेख है जिसके अनुसार सभी भारतीय भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। इस संकल्पना की प्रत्येक अवधारणा का हम अर्थ समझेंगे। पहला है प्रभुत्व संपन्न राज्य। प्रभुत्व संपन्न राज्य क्या होता है? भारत पर बहुत समय से, दीर्घकाल तक अंग्रेजों का शासन रहा। यह शासन 15 अगस्त 1947 को समाप्त हुआ, जिसे आज हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा देश स्वतंत्र हुआ, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ। हम अपने देश के विषय में उचित नीतियां बनाने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ किसी देश का किसी विदेशी नियंत्रण में न होना है। हमारी समग्र स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख उद्देश्य प्रभुत्व संपन्न बनना था। प्रभुत्व संपन्न बनने का अर्थ सरकार चलाने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होना है। लोकतंत्र में प्रभुत्व संपन्नता जनता के अधिकार में होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तथा उन प्रतिनिधियों को उनकी संप्रभुता के अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करती है। हम अपने देश के अंतर्गत कौन से कानून बनाएं, यह निश्चित करने का अधिकार जनता और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को प्राप्त है। दूसरा घटक है समाजवादी राज्य। उद्देशिका का दूसरा घटक समाजवादी राज्य उसी कहते हैं जिस राज्य में निर्धन, गरीब, वंचित और धनवानों के बीच खाई नहीं होती। देश की संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है। कुछ ही लोगों के हाथ में संपत्ति का एकत्रीकरण नहीं होगा, इसकी सावधानी बरती जाती है। तीसरा घटक है उद्देशिका का पंथ निरपेक्ष राज्य। उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता को हमारा उद्देश्य बताया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य में
सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता रहती है। धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगले घटक के बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।